हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिसको भी इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। और ऐसे मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और गाइस, आज जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं कौन सी वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं अलग अलग वीडियो शूट करूँ, मतलब अपनी हेयर वॉश रूटीन की वीडियो और ये जो गलतियां हैं हम हेयर वॉश करते समय करते हैं वो अलग। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही वीडियो शूट करती हूँ, दो दो वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। और मैं एक ही वीडियो में आपके साथ अपनी हेयर वॉश रूटीन भी शेयर करती हूँ। वैसे आपने देख ही लिया कि मैं किस तरह से हेयर वॉश करती हूँ, बिल्कुल वही स्टेप रहते हैं, मैं किसी को चेंज नहीं करती। हाँ, सिर्फ मैं इंग्रेडिएंट चेंज कर देती हूँ जिसको मैं अपने शैम्पू के साथ मिलाकर मतलब हेयर वॉश करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ पूरा जो प्रोसीजर है वो एक ही रहता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी गलतियाँ जो आप अपने हेयर वॉश करते समय करते हैं, ठीक है जी। और ये गलतियाँ अगर आप छोटी छोटी बातें हैं अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हेयर फॉल होगा, ठीक है, और आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट मिलेगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और जो जो गलतियाँ हम करते हैं उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती है जो हमारी, वो है जब हम अपना हेयर वॉश करते हैं तो उससे पहले हम कंघी नहीं करते अपने बालों पे, ऐसे ही खोलते हैं और देन हेयर वॉश करने लग जाते हैं। लेकिन ये गलत है, ठीक है, मैं आपको साइड पे भी दिखाती रहूँगी। सबसे पहले आपको हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों को कॉम करना है, कंघी करना है, ठीक है, ताकि आपके बाल, अगर आपने बिना कंघी किए अपने हेयर को वॉश किया तो आपके जो मतलब हेयर है ना बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे और टूटेंगे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, हेयर वॉश करने से पहले कंघी ज़रूर करनी है, ठीक है जी। और जो हमारी दूसरी गलती है कि हम शैम्पू लेते हैं और डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं, बालों पे लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें शैम्पू को हमेशा थोड़े से पानी में, जितना आपके हेयर के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू चाहिए उसे उसमें घोल लेना है, अच्छी तरह से झाग बना लेनी है और देन अपने सिर पे अप्लाई करना है। वो भी मैं आपको साइड पे दिखाती जाऊँगी, साथ ही साथ मेरी हेयर वॉश की रूटीन भी होगी, साथ ही साथ मैं आपको गलतियाँ भी बता रही हूँ, ठीक है। और जो हमारी तीसरी गलती है मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपने बालों को जो इसमें पानी में आपको डिप ज़रूर करना है, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो ना तो जो आपके हेयर की लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ फंसा रह जाता है, और तो कुछ क्या, शैम्पू ही फंसा रह जाता है, क्योंकि हम इतने तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम खुले वाटर से अपने लॉन्ग हेयर को भी मतलब अच्छी तरह से वॉश कर लें, ठीक है। तो आपको बकेट में पानी लेकर उन्हें अच्छी तरह से अप एंड डाउन स्टेप करना है, इससे आपके लॉन्ग हेयर में जो भी कुछ फंसा होगा वो निकल जाएगा, शैम्पू भी होगा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिनके हेयर छोटे हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए ये स्टेप नहीं है, ठीक है। जो हमारी चौथी गलती है, हमें टॉवल यूज़ नहीं करना है। गाइज वो वाली वीडियो मेरे से पता नहीं किधर चलेगी। हमें टॉवल यूज़ नहीं करना है, हमें कॉटन का कपड़ा रखना है, मलमल का कपड़ा जैसा कि मैं रख रही हूँ, ठीक है। और उसमें आप जब अपना हेयर वॉश कर लेते हो देन आपको फोल्ड कर लेना, अपने हेयर को लपेट लेना है, ठीक है, लपेट लेना है। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप कोई भी काम कर लो, तब फिरते चलते हुए कोई भी काम कर लो जब तक आपने लपेट कर रखा है। तो उससे क्या होगा, अगर आप टॉवल यूज़ करोगे तो टॉवल के जो बीच छोटे छोटे मतलब टॉवल के जो छोटे छोटे दाने से होते हैं ना टॉवल में, उसमें बाल फंस जाते हैं, और जब हम टॉवल निकालते हैं तो उनके साथ हमारे हेयर भी निकलते हैं। तो ऐसा नहीं करना, कॉटन का कपड़ा रखना है, और आप देखोगे 10 से 15 मिनट के बाद उसमें जो वो सारा पानी आपके हेयर का सोख लेता है, आधे से ज़्यादा बाल तो वैसे ही सूख जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करना है, ठीक है जी। और जो पाँचवीं गलती है, आपको कभी भी अपने गीले बालों में कंघी नहीं करनी है, ठीक है जी। गीले बालों में कंघी कभी भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब भी आपने अपना वो कपड़ा निकाल दिया कॉटन वाला, तो आपके बाल आधे सूखे आधे गीले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप आता है, आपको सीरम ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है जी। जैसा कि मैं कर रही हूँ साइड पे, आपको सीरम ज़रूर अप्लाई करना है, और ये कंपलसरी है गाइज। अगर आप चाहते हो कि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो तो किसी अच्छे ब्रांड का आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। मैं पहले सिट्रिक्स का यूज़ करती थी, अभी मैं लिवोन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूज़ ज़रूर करना है, सिर्फ लेंथ लेंथ पे, जड़ों पे नहीं, लेंथ लेंथ पे करना है, ठीक है जी। और जो हमारी छठी
छठी गलती है तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ लकड़ी का कंघा यूज़ करना है गाइस। तो देखा होगा कि मैं भी यहाँ पे कभी कभी प्लास्टिक का कंघा यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर लकड़ी का ही यूज़ करती हूँ। वो वीडियो पता नहीं मेरा कहाँ चले गया गाइस, तो पता नहीं मेरे बेटे ने डिलीट कर दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन अभी नया साल स्टार्ट हो गया तो आपको एक लकड़ी का कंघा ले लेना है, ठीक है। उसी के साथ आपके हेयर को कॉम करना है अच्छी तरह से, प्लास्टिक का कंघा नहीं यूज़ करना है, ठीक है, लकड़ी का कंघा ही यूज़ करना है। अब मार्केट से किसी अच्छी लकड़ी का, नीम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी भी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आपको लकड़ी के कंघे के फ़ायदे हो सकते हैं आपके हेयर को, आपकी स्कैल्प को, आपके ब्रेन को, तो उससे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लकड़ी का कंघा यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। तो गाइज यही है छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने आपको बता दी, अपनी हेयर वॉश रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मेरी सांस गाइस फूल रही है, आपको पता है क्यों फूल रही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे वीडियो बनाना था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, ठीक है जी। मेरे पास टाइम अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।